Hello guys, welcome to our channel, The Insulator. So, yes guys, this is me, The Insulator. मैंने इससे पहले कभी भी अपने चैनल पे कोई भी ऐसी वीडियो नहीं बनाई बेसिकली जिसमें मैं अपनी आइडेंटिटी आपको बता रहा हूँ और मैं अपने चैनल पे बेसिकली खुद लाइव आया हूँ। मैंने कभी भी ये नहीं करा, बट अभी क्यों हम कर रहे हैं, बिकॉज आपसे बहुत सी चीज़ें डिस्कस करनी है दैट आई वॉन्ट टू डिस्कस। पहले तो The Insulator कैसे, क्यों, और इस चैनल का नाम हमने क्यों ऐसा रखा। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं गाइस। हमने 2019 में आइल्स का एग्जाम बेसिकली ये चैनल खोला आइल्स के लिए इन 2019। तो बेसिक आइडिया क्या था जब मैंने ये चैनल बनाया, टू हेल्प दी बेसिकली आइल्स कैंडिडेट। मैं भी बेसिकली आपकी तरह ही था, मैंने भी आइल्स का एग्ज़ाम दिया था एंड उसके बाद मेरा गोल भी था कि मैं बाहर जाऊँ स्टडी के लिए। वो सब करा, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा थ्रू आउट कि क्या हुआ, क्या करा मैंने, कैसे करा। तो 2019 में जब मैंने अपना आइल्स का एग्ज़ाम दिया, उसके बाद आई स्टार्टेड वर्किंग एज ए इंजुलेटर। एग्ज़ाम देने के बाद जब बैंड वगैरह आ गए तो मैंने स्टार्ट करा काम करना एज एन इंजुलेटर, जब तक बेसिकली मेरी फाइल प्रोसेस में थी। तो जब मैं अपना एग्ज़ाम दे रहा था गाइस, मैंने बहुत सी चीज़ें ऑब्जर्व करी एग्ज़ाम सेंटर्स में कि कैंडिडेट्स कैसे वो स्ट्रगल करते हैं जब वो एग्ज़ाम देने आते हैं, तो कैसे वो पैनिक होते हैं। तो उनकी हेल्प के लिए मैंने ये चैनल खोला। तो चैनल में बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल हमने स्टार्ट करा इन्फॉर्मेशन देना रिलेटेड टू आइल्स एग्ज़ाम, और उसके अलावा मैंने जो मेन चीज़ हमने इस चैनल पे शुरुआत करी वो थी आइल्स प्रेडिक्शन। आइल्स प्रेडिक्शन बेसिकली मैं जो भी, अगर आप जो भी बेसिकली आप काफ़ी टाइम से एग्ज़ाम कंडक्ट करो और जहाँ फिर आइल्स के पैटर्न को अगर आपको देखो तो उसका समझ आपको आ जाता, तो मेरे को वो थोड़ा बहुत समझ आने लगा। तो उस बिहाफ में मैं प्रेडिक्शन वीडियो बनाना शुरू कर दिया। तो यू गाइस विल बी सरप्राइज कि जो हमने फर्स्ट प्रेडिक्शन वीडियो बनाई थी वो बेसिकली एकदम से वायरल हो गई। तो ये चैनल बेसिकली विद इन वन वीक 60,000 or 50,000 के ऊपर सब्सक्राइबर आ गए। आई वॉज वेरी हैप्पी, लोगों का बहुत प्यार मिला दैट टाइम। अभी आप में से, आप जो मोस्टली अभी ये जो वीडियो देख रहे हैं वो नए लोग होंगे, पुराने लोग तो नहीं होंगे जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर थे, बट हाँ वो चैनल एकदम से हिट हो गया। उसके बाद बहुत से लोग आए बेसिकली जो हमारे चैनल को कॉपी करना स्टार्ट कर दिया, एंड आई वॉज ओके विद दैट बिकॉज मेरे को कुछ था ही नहीं, बिकॉज माई मेन मोटिव वॉज टू हेल्प यू गाइस, वो हो रहा था। बट एज आई मैंशनड आई वॉज वर्किंग एज एन इंजुलेटर। After that, मेरी फाइल प्रोसेस हो गई। I came in Canada. I never mentioned that. But I came in Canada in 2019. मैंने अपनी आपकी तरह स्टडी करी। I had done my masters here. इंडिया में मैंने bachelor's करी। After that, I came here for my masters. I had done my masters within, I think, 16 to 17 months. After that, 1 year work and I got my PR. सो बेसिकली मैंने अपनी PR और स्टडी का प्रोसेस 3 साल में मैंने ये सब डन कर दिया। आई विल शेयर यू कि वो मैंने कैसे करा और इतनी जल्दी, बिकॉज बहुत से लोग सरप्राइज भी होते हैं कि इतनी जल्दी आपने कैसे कर दिया, राइट। आई विल शेयर यू दैट थिंग एज वेल। नाउ आई एम वर्किंग इन वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज, तो ठीक चल रहा है। मैंने यहाँ पर भी आके स्टार्ट करा काम एज ए इंजुलेटर, तो बेसिकली ये चीज़ें चलती रही व्हेन आई केम इन कैनेडा। तो एक टाइम पे आके बेसिकली लास्ट 2 साल से मैं इस चैनल पे कोई वीडियो अपलोड कर ही नहीं रहा। उसका मेन रीज़न आप बोल सकते हो कि जब मैं कैनेडा में आया तो बहुत सी चेंजेस आए, लाइफ चेंज हुई, लाइफ चेंज इन द सेंस बिजी हो गई, टाइम कम था, अपने कम थे। जब ऐसी चीज़ें आती हैं तो आपके पास टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है। आई वॉन्ट टू हेल्प यू बिकॉज यहाँ पर भी मैं सेम काम कर रहा था, बट वो सपोर्ट नहीं मिल रहा था। तो उसके लिए बेसिकली मैंने ये चीज़ें एक तरफ छोड़ दी। लेकिन अभी रिसेंटली अगर
मैंने मेरा एक पुराना सेल फोन था जिसमें बेसिकली मैं एक वीडियो वो बनाता होता था, मैंने वो रिसेंटली अभी यूज़ करा, तो आई चेक दी माई ईमेल अकाउंट जो बेसिकली इस यूट्यूब चैनल के साथ लिंक है, उसमें बहुत सी ईमेल्स थी जिसमें बेसिकली वो पूछ रहे थे लोग कि आप कहाँ हो, वाई वी आर नॉट अपलोडिंग एनीथिंग। तो उनकी बातों से और उनकी चीज़ों से मेरे को मोटिवेशन मिली कि आप एटलीस्ट कुछ लोग तो हैं जो हमारे लिए वरी कर रहे हैं। और मैं काफ़ी इंट्रोवर्ट का, अगर मैं अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताऊँ तो मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ। आई डोंट लाइक कैमरा, आई डोंट लाइक, बेसिकली मेरे को कैमरा फेस करना नहीं आता, आई डोंट लाइक दैट एज वेल, बट लोग चाहते हैं। तो अगर आपको जो भी अभी ये लोग वीडियो देख रहे हो, आप आइल्स के रिलेटेड तो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी इस चैनल पे। अगर आपको राइट नाउ आई एम इन कैनेडा, राइट, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मैं कैनेडा में मेरा लाइफस्टाइल क्या है, हम वैसा भी मैं आपको प्रोसेस दिखा सकता हूँ इस चैनल पे। अगर आपको चाहिए कि कैनेडा की मेरी जर्नी कैसे रही, 3 साल में मैंने कैसे यहाँ पे अपना सब कुछ सेटल करा है, अभी मैं अकेला हूँ तो बेसिकली, लेकिन स्टिल विद इन 3 ईयर्स हाउ आई कम्प्लीटेड माई स्टडी, आई डन मास्टर्स, मैं बेसिकली 2 प्रोविंस में ऑलरेडी जा चुका हूँ, अभी 1 प्रोविंस में मैं रह रहा हूँ, अच्छी कंपनी में काम कर रहा हूँ, एनुअल एवरीथिंग इज़ ओके, PR है, बस अभी फैमिली का वेट है, तो फैमिली अगर आ जाएगी तो एवरीथिंग विल बी ओके है। बट अगर आपको उसके रिलेटेड भी सारा प्रोसेस देखना है कि मेरी लाइफ कैसे चल रही है यहाँ पे, आई कैन शो यू दैट एज वेल, बट आइल्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी ज़रूर आती रहेगी। बट अगेन गाइज, आई नीड योर सपोर्ट। जो पुराना टाइम था, आई नो आई डिसअपॉइंट यू, आई रियली डिसअपॉइंट यू गाइज, 2019 में और एकदम से मैं गायब हो गया, चैनल पे कुछ नहीं है, आई डिसअपॉइंट। जो हमारे सब्सक्राइबर हैं मोर देन 60,000 है, एक टाइम पे बहुत हमारा ये चैनल था जो बेसिकली वन ऑफ द टॉप चैनल्स में हमारा नाम आ रहा था दैट टाइम, 2019 की बात कर रहा हूँ अभी नहीं। लेकिन मेरी गलतियों के कारण, लेकिन गलती भी नहीं बोल सकूँगा बिकॉज लाइफ यहाँ पे आके काफ़ी बिजी हो गई थी और कुछ और भी सर्कमस्टांस क्रिएट हो गए थे, उसके कारण I was not able to upload the things, but now I can help you guys, not only for IELTS but all the other things. मैं कैनेडा में हूँ स्पेशली, तो आई कैन हेल्प यू कि कैनेडा स्पेशली कैसा है, आई कैन शो यू ऑल द थिंग्स इन कैनेडा। कैनेडा इज़ अ ब्यूटिफुल कंट्री गाइज, अगर आप प्लान कर रहे हो वाई नॉट, और मैं कैनेडा आपको शो कर सकता हूँ कि मेरी लाइफ स्टाइल यहाँ पे कैसी है, प्रोसेस कैसा है, अगर आप स्टडी के बाद IELTS के बाद भी, बेसिकली IELTS का तो हम अपलोड करेंगे ही इन्फॉर्मेशन, बट अगर IELTS के बाद आप यहाँ पे आने का प्लान कर रहे हो, आपकी लाइफ कैसी होगी, वी कैन डिस्कस दैट एज वेल। बट या आई नीड सपोर्ट, अगर आपको सारी इन्फॉर्मेशन वैसी चाहिए और आपको ये चीज़ वीडियो पसंद आई हो, आई वॉन्ट यू, बेसिकली आई वॉन्ट फ्रॉम यू गाइज टू शेयर दिस वीडियो, और आप सपोर्ट करो, बेसिकली सपोर्ट इन द सेंस, प्लीज़ कमेंट में बताओ अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं, अदरवाइज वी विल स्टॉप अगेन, बट आई डोंट वांट टू स्टॉप नाउ, आई रियली डोंट वांट टू स्टॉप, आई वांट टू हेल्प यू गाइस, आई वांट टू हेल्प माय सेल्फ एज वेल। आई नो ये काफ़ी बोरिंग होगा आपके लिए बिकॉज मैं फिल्म मेकिंग में इतना अच्छा नहीं हूँ, और दिल से बोल रहा हूँ जो भी बोल रहा हूँ अभी, इसमें आप आई नो थोड़ा सा बोरिंग है, लेकिन मैं दिल से बोल रहा हूँ, वी कैन टॉक एज वेल, मैं लाइव भी आ सकता हूँ अगर आपको हम मेरे से कुछ और भी बात करनी है कि IELTS के इन रिलेटेड पार्ट, माई लाइफ इन कैनेडा एंड ऑल दी अदर एक्सपेक्ट, अगर चीज़ें अगर आप बात करना चाहते हो मेरे से, आई कैन कम लाइव ऑन यूट्यूब और इंस्टाग्राम, वेयर एवर यू इज वॉन्ट, कमेंट में मेरे को आप बता देना। बट या गाइज, दिस इज़ योर दी रिलेटर, आई विल गिव यू माई आइडेंटिटी, बेसिकली मैं हम सेपरेट वीडियो में फुल बात करेंगे कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, सब बात करेंगे, मेरी बैकग्राउंड क्या है, वो स्पेशल उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, लेकिन ये एक बेसिकली वीडियो था जो आपको एक इन्फॉर्मेशन देना था। सो गाइस, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल द इंजिलेटर। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।